हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ प्लस में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। इसमें क्या होता है कि कईयों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो कईयों में ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। तो आज मैं बात करूंगा उन पेशेंटों के बारे में जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है और कैसे वो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में कर सकता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आज आपको ऐसे कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जो कि बिना मेडिसिन के आप अपना जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ला सकते हैं। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस भागदौड़ की दुनिया में और जो हमारा खान पीने का जो तरीका है उनसे हमारा ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाए पता ही नहीं चलता। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादा हो जाता है तो हमें जरूर हमारा सिरदर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तब हमें जाकर पता चलता है। तो इस जो ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल सी चीज नहीं है, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का हमें पता नहीं चलता और वो धीरे धीरे हमारे जो बॉडी को डैमेज करते जाते हैं और एक दिन इससे डेथ भी हो सकती है। तो हमें रेगुलर इसका ब्लड प्रेशर का चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। तो आज मैं आपको वो कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें दो तरीकों से हम अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कर सकते हैं। इसमें पहला कि हम वो चीज न खाए जिनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और दूसरा उन चीजों को खाए जिनके कारण हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको वो चीजें नहीं खानी है जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि सोडियम के कारण हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है। तो जैसे कि नमक हो गया, नमक आपको कम से कम खाना है। अगर आप सलाद ले रहे हो या फिर आप दही या छाछ ले रहे हो तो ऊपर से नमक नहीं मिलाना है। इनके अलावा आप अचार भी नहीं खा सकते, क्योंकि देखिए अचार में भी बहुत ज्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। अगर आप नमक ज्यादा लोगे तो आपके जो बॉडी में वो सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, और सोडियम की मात्रा बढ़ने के कारण आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी सोडियम के पदार्थ होते हैं उसको अवॉइड करना है। यहाँ पे दूसरी है कैफीन। देखिए जिस जिस खाने पीने की चीजों में कैफीन की मात्रा पाई जाती है आपको वो सभी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि देखिए कैफीन के सेवन से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ने के कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है। तो ब्लड वेसल्स अगर ज्यादा तेजी से काम करेगी तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और आपको यहां पर मैं बता दूं कि कैफीन किस किस में ज्यादा पाया जाता है। देखिए कैफीन चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या स्नैक्स, इनमें ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है, तो आप ये सभी चीजें अवॉइड करें। नेक्स्ट है स्मोकिंग। देखिए अगर आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप सिगरेट या फिर तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें पाया जाने वाला निकोटीन आपकी बॉडी में जाकर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। अगर आप भी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहते हो तो आज से ही आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी छोड़ देनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है स्ट्रेस या फिर टेंशन। देखिए स्ट्रेस या टेंशन की वजह से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है अगर आपका और आप उसको कंट्रोल में करना चाहते हो तो आपको जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए ये कहने में बहुत इजी लगता है कि आप स्ट्रेस मत लो या फिर टेंशन मत लो, ये भी ऑटोमेटिकली जो हमारे दिमाग पर है वो छा जाती है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना है तो आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपका ध्यान कहीं और जा रहा है जो स्ट्रेस का कारण बन रहा है तो आप अपना दिमाग वहां जगह से हटाइए और दूसरी जगह अपने परिवार के साथ लगाइए या फिर अपने जो बुक्स है वो पढ़िए, कुछ भी करके आपको स्ट्रेस और टेंशन से दूर जाना है अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना है तो। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो देखिए एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तो कम नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज करने से अगर आपका मोटापा ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आपके शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो गई है तो वो धीरे धीरे कम होगी, और जो आपका वेट है वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो
कम होने लगेगा। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें आप सबसे ज्यादा सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हो या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हो। तो आप कैसे भी करके अपना जो वेट है वो धीरे धीरे कम करना है, मतलब आपको वेट ज्यादा नहीं बढ़ाना। अगर आपको वेट ज्यादा बढ़ेगा, आपके शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा होगी, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी धीरे धीरे ज्यादा होने लगेगा। तो आपको कैसे भी करके अपना वेट भी कंट्रोल में रखना है। देखिए, अब मैं आपको एक घरेलू चीज बताने जा रहा हूँ, वो तो लगभग क्या सभी घरों में पाया जाता है, वो है लहसुन। देखिए, लहसुन वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसका एक काम और है, वो है जो हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में करना। तो आप लहसुन का भी अच्छे से उपयोग कर सकते हो, इसको आप जैसे भून कर भी खा सकते हो, जिसके कारण आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो भी कम होगा। आगे है हेल्थी डाइट। तो देखिए दोस्तों, हेल्थी डाइट खाने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो तो कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां नहीं होगी जिनके कारण ब्लड प्रेशर और ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हेल्थी डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर्स ले, और जहां तक हो सके वहां कम से कम फैट वाली चीजें खाए, जिनके कारण क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और उन बीमारियों के घेरे में नहीं पड़ेगा जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। और इनके साथ ही यहां पर मैं आपको एक जूस बताता हूं, वो भी आप सुबह सुबह एक गिलास पीने से आपकी जो बड़ी हुई ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसमें एक तो टमाटर, दो गाजर, आधा कटा हुआ नींबू और इसके अलावा पुदीना, ये इन तीनों चारों चीजों को आप मिक्सी में अच्छी तरह से पीस ले। इसके बाद आप ऊपर से आधा गिलास पानी इसमें मिलाकर सुबह सुबह आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब लास्ट है जंक फूड। देखिए, जंक फूड खाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपको भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है तो जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जंक फूड में जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, इनके अलावा जो भी नूडल्स हो गए, इन सबको आपको अवॉइड करना है अगर आपको भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है तो। और इसमें एक और है एल्कोहल। देखिए, आप भी अगर एल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो आपको इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल की वजह से भी ब्लड प्रेशर है जो बढ़ता है। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको तो एल्कोहल बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, यानी कि उनको तो यही सोच लेना है कि दुनिया में एल्कोहल नाम की कोई चीज भी नहीं बनी है। क्योंकि देखो, एल्कोहल अगर किडनी पेशेंट यूज करेगा तो उसकी किडनी वो और ज्यादा डैमेज होगी, जिनकी वजह से और भी बहुत ही कुछ ज्यादा परेशानियां होने को मिल सकती है।